careful. Okay, Rajan. Good night. Good night, sir. Hello? Hello? Parmeshwar. टाइम क्या हुआ रे? 10 बज रहे हैं। ये गाड़ी वही होगी। हेलो, कमिश्नर अभी निकला है। गेट रेडी। समझ। अरे ये तो उसकी पत्नी है। अरे ये तो दीदी है। नहीं रुक जाओ, उन्हें रोकना होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो जल्दी करो। फोन जल्दी लगा। हेलो। हेलो, इस वक्त कमिश्नर को कुछ मत करना, रुक जाओ। लेकिन क्यों? कुछ नहीं होगा। परमेश्वर, हाँ कमिश्नर मर गया ये समझकर लड़के वापस आ गए। हाँ लेकिन उनके हाथ वो कैसेट नहीं लगा। हम इंक्वायरी करेंगे। राजन मैथ्यू जहां गिरा था वो कैसेट वहीं कहीं होगी। हम कुछ भी करके उसे ढूंढ लेंगे। ये बहुत सीक्रेट होना चाहिए। वो सीक्रेट बात कहीं जनता तक पहुंच गई तो तुम समझ सकते हो। ये क्या है? आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी पत्नी और इनके बच्चे की आत्मा को शांति मिले। हे ईश्वर, हमारी यह प्रार्थना कबूल करो और हम ये चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आमीन।
सर, आपके लिए अमेरिका से फोन है। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ नहीं नहीं, तुम इतनी जल्दी मत आओ। ओह मली, या खामखा तकलीफ उठाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बैठ जाओ। क्या आप जानते हैं ये? जानता हूं अच्छी तरह से। परमेश्वर, सफेद पोशाक में छिपा हुआ एक क्रिमिनल, उसके खिलाफ जाने का यह नतीजा है। मेरी बीवी और मेरा बच्चा। कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। बदला जरूर लूंगा। जब तक जिंदा हूं मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। उनकी पत्नी की मौत के पीछे परमेश्वर का हाथ है, और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। परमेश्वर एक लीडिंग पॉलिटिशियन, उसके खिलाफ कुछ भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। धैर्य, यही हमारा हथियार रहेगा। हम इसी के जरिए अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला सकते हैं। हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, जंग में ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा। वो सब ठीक है, अगर हम कमजोर पड़ गए तो, हमारे लड़कों को उठा लिया गया तो? परमेश्वर का जो गेस्ट हाउस है एक पहाड़ी इलाके में बंद पड़ी फैक्ट्री में है, शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में बनाया गया है। इस गेस्ट हाउस के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उसे मारना है तो गेस्ट हाउस ही एक ऐसी जगह है जहां पर वो हमें अकेला मिलेगा, क्योंकि बाकी सब जगह इतनी सिक्योरिटी रहती है कि हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। कल वहां परमेश्वर पहुंचेगा, उसके साथ और कोई भी नहीं होगा, अकेला रहेगा, उसका ड्राइवर भी नहीं होगा। जैसे ही पहला मौका मिलता है हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। हमें अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस काम को अंजाम देना है, किसी भी हालत में। नहीं, दरवाजा लॉक मत करना। अरे लॉक मत करना। इस वक्त 8 बज रहे हैं, ठीक 9:15 बजे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? रुको मैं देखता हूं। लगता है बाहर से किसी ने ताला मार दिया है। ए, जल्दी दूसरा कोई रास्ता ढूंढो। दूसरे कमरे में जाके देखते हैं। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब तो दोनों दरवाजे बंद है, अब हम क्या करें? चलो बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। हाँ। बम कभी भी फट सकता है। हाँ।